सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 साइंस 2 में, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और ये एक बहुत बढ़िया लेसन है और सिंपल सा लेसन है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो लेसन हमने 9th में भी पढ़ा था, ओके, और 9th के टॉपिक से ही कनेक्टेड ये लेसन है। तो मैं चाहूँगा कि ये लेसन आप पढ़ने से पहले एक बार 9th का जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सेम लेसन है, एक बार उसे आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इस लेसन पर आइए, क्योंकि उससे जो कनेक्टेड बातें हैं वो आपको आसानी से जल्दी क्लियर हो जाएगी। ओके, वैसे तो हम सारा एक्सप्लेन करेंगे ही, पर अगर आप उसे कर लेंगे तो एक्सप्लेन जो हम करेंगे उसे आपको समझने में बहुत जल्दी, मतलब जो लेसन है ये लेसन नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पूरी तरह से डिपेंड है, समझिए 9th पर जो लेसन हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन का बटन ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और इसे शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लेसन में दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैन यू रिकॉल, जो हमने 9th में पढ़ा है उसे ही रिकॉल करने वाले। वॉट इज इकोसिस्टम एंड विच आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सब इकोसिस्टम है। एयर, वाटर, सॉइल, सन, ओके, जितनी भी रेन, जो भी चीजें आपको आसपास दिखाई देती है वो सब इकोसिस्टम है, और इन सब से यही सब इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, और इन्हीं सबसे मिलकर इकोसिस्टम बनता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर रिलेशन क्लासिफिकेशन। तो टाइप ऑफ कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर के अलग अलग टाइप है, दैट इज एक है प्राइमरी कंज्यूमर, एक है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है एपेक्स कंज्यूमर और है मिक्स कंज्यूमर। अब इसमें एपेक्स कंज्यूमर जो है उसे कहा जाता है कार्निवोरस, और जो मिक्स कंज्यूमर है उसे कहा जाता है ओमनिवोरस। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर, ओके, जो प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएगा भाई? प्लांट, ओके, प्लांट को जो खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, जैसे हमने यहां पर लिख दिया माउस, ओके, अब इस माउस को जो खाएगा वो एपेक्स में चला जाएगा, दैट इज कार्निवोर, जैसे हमने मान लिया स्नेक। और मिक्स में जो है, ओके, कार्निवोरस में स्नेक भी आएगा और टाइगर भी आएगा, और मिक्स में जो है इसमें आ जाते हैं मैन और अदर एनिमल्स जो होंगे, ऐसे एनिमल्स जो वेज और नॉनवेज दोनों खाते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, जो पत्तियां और मांस दोनों खाते हैं, ओके, वो हो जाएंगे ओमनिवोरस में। कार्निवोरस मतलब वो जो सिर्फ मांस खाते हैं, दैट इज ओनली मांसाहारी, ओके, और मिक्स मतलब ओमनिक्स कंज्यूमर जो होते हैं वो ओमनिवोरस में आते हैं, वो मांस मतलब वेज नॉनवेज दोनों ईट करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मे बी द रिलेशन बिटवीन लेक एंड बर्ड ऑन अ ट्री। तो मान लीजिए ये एक पेड़ है, ओके, और इस पेड़ पर एक पंछी बैठा हुआ है और नीचे तालाब है, ओके, सो व्हाट मे बी रिलेशन बिटवीन लेक एंड द बर्ड ऑन अ ट्री। तो इस पेड़ पर बैठा हुआ पंछी और ये तालाब, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? तो भाई देखिए, पेड़ पे बैठा हुआ पंछी पेड़ में रहेगा और पानी भी पिएगा, तो पानी पीने के लिए उसे तालाब की जरूरत है, ओके, और रहने के लिए उसे छत की, दैट मींस पेड़ की जरूरत है। तो यहां पर जो है रिलेशन बिटवीन लेक एंड बर्ड, तो बर्ड और लेक के बीच में एक रिलेशन है, ओके, क्योंकि ये क्या है कि बर्ड जो है ये डिपेंड है किस पर? इस वाटर पर, उस लेक के वाटर पर डिपेंड है। अगर वो वाटर उसे नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब।
फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ फूड चेन की बात करें तो यहां पर ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ओके, ये फूड चेन की, दिस इज द पिक्चर्स ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन का पिक्चर है। फूड चेन में क्या है, देखिए ये जो प्लांट है, प्लांट को ये ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को ये फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल, और ईगल को कौन खाएगा, सैफ्रोफाइट्स। ये एक सिंपल चेन है। अब मान लीजिए यहां पर मैं एक और एनिमल ऐड कर दूं, एक ऐसा एनिमल जो फ्रॉग को खाएगा, ओके, या फिर ऐसी चीज जैसे यहां पर ये जो इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, इसके बदले मैं कोई दूसरे इंसेक्ट रख दूं, यहां पे मैं मॉस्किटो रख दूं, कुछ कीड़े रख दूं, कुछ अलग इंसेक्ट रख दूं, तो यहां पे मैंने कुछ अलग इंसेक्ट रख दिया, तो फ्रॉग क्या कहेगा, इसको भी खाएगा और इसको भी खाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, ओके, इस इंसेक्ट को और कोई खा सकता है, इस इंसेक्ट को ये भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑप्शन हो रहे हैं बहुत सारे। तो अगर सिर्फ सिंपल सिंगल वे में जाए तो दैट इज फूड चेन, और वहां पर डायवर्सिटी बहुत सारी बढ़ जाए, जहां पर बहुत सारे ऑप्शन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे फूड वेव। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोइंग इन पिक्चर। ये जो पिक्चर्स दिख रही है, यहां पर इन सबके कैटेगरी लिखनी है। तो जो प्लांट है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, क्यों, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाती है। प्लांट को जो डायरेक्ट सिर्फ प्लांट को खाके जिंदा रहता है, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ प्राय, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, आप लिखिए अपनी बुक में, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब इस ग्रास हॉपर को ये फ्रॉग ईट करेगा, दैट मीन्स फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे कहते हैं टर्टियरी कंज्यूमर, और जो टर्टियरी कंज्यूमर को खाता है उसे कहते हैं एपेक्स, और जिसे कोई नहीं खाता, ओके, ये हो जाता है एपेक्स, क्योंकि ये एक ईगल है और इसका शिकार करना किसी दूसरे एनिमल के बस की बात नहीं है, ओके, तो अब ये क्या होगा, ये खुद से मर जाएगा, ये बीमार होगा या फिर कुछ हो जाएगा एक्सीडेंटली, ये खुद से मर जाएगा, और जब इसकी बॉडी मर जाएगी तो इसे सैफ्रोफाइट्स खाएगी और ये वापस जाके जमीन में मिल जाएगा, ओके, और जमीन में मिल जाएगा और फिर से इसकी एनर्जी प्लांट को मिलेंगी और वापस प्लांट प्रोड्यूस होगा, और ये फूड चेन जो है ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये थे अलग अलग कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्टियरी, एपेक्स और सैफ्रोफाइट्स। सो व्हाट इज द नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब एंड व्हाई। अगर इस पिक्चर को फूड वेब में कन्वर्ट करना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा और क्यों जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या कर दिया, आप अलग अलग और एनिमल जोड़ दीजिए और अलग अलग इंसेक्ट जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए सांप जो है यहां पर, स्नेक जो है, अगर मैं यहां पर माउस लगा देता हूं, ओके, अगर मैं यहां पर माउस बना लेता हूं, तो स्नेक जो है इस फ्रॉग को भी खाएगा और स्नेक जो है इस माउस को भी खाएगा, तो यहां पर क्या है, ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, तो ये बन जाएगा फूड वेब। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा फूड वेब। तो फूड वेब मतलब किस पर डिपेंड करता है, फूड वेब जो है ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जहां पर बहुत सारे फूड की अवेलेबिलिटी हो वहां पर फूड वेब बन जाता है। हमारे लिए भी बहुत सारे फूड की अवेलेबिलिटी है, हम एनिमल भी खाते हैं, हम बर्ड्स भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो जब फूड की बहुत सारी अवेलेबिलिटी हो जाती है स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो वो फूड वेब में कन्वर्ट हो जाता है। फूड वेब का डायग्राम आपने 9th के बुक में भी देखा था, ओके। सो इकोसिस्टम, आइए चालू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक का, दैट इज इकोसिस्टम और रिव्यू। तो आइए देखते हैं क्या है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरएक्टिव विद ईच अदर। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम दोनों चीजों से मिलकर बनता है, एक बायोटिक फैक्टर और एक अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स आएगी सारी की सारी, और अबायोटिक फैक्टर मतलब जिससे जो लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है, जैसे प्लांट, प्लांट लिविंग थिंग्स है। एक एग्जांपल लिया है मैंने प्लांट का, तो प्लांट को मिट्टी की जरूरत है अपना, मतलब खुद को ग्रो करने के लिए, उसे पानी की जरूरत है, उसे हवा की जरूरत है, उसे सनलाइट की जरूरत है। तो प्लांट जो है वो बायोटिक फैक्टर है, पर उस प्लांट को अबायोटिक फैक्टर की जरूरत है, जैसे एयर है चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए,
ओके, प्लांट को सनलाइट चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशंस चाहिए, प्लांट को मिट्टी चाहिए, ओके, सॉइल चाहिए, तो ये सब क्या है, ये प्लांट को वाटर चाहिए, तो अबायोटिक फैक्टर। सो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये अबायोटिक फैक्टर में आएगा। और जितने भी लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट, इंसेक्ट, सेफ्रोफाइट्स, एनिमल्स, ये सब बायोटिक फैक्टर में जाएंगे, हम भी जो है वो बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। सो ईच फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में ये हर एक फैक्टर एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट। सो ईच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हर फैक्टर एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईच फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट। प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर वो तो है, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं है तो बाकी तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तो हर्बीवोरस लाइक डियर, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे हर्बीवोरस जो है, जैसे डियर है, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा, फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर को खाते हैं। जो हर्बीवोरस है वो प्रोड्यूसर को खाते हैं। ओके, तो पहले है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाने वाले हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के ये सारे एग्जांपल। फिर फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रीडिएटर लाइक लायन एंड टाइगर, विच आर प्रिवेंट द ओवर पॉल्यूशन ऑफ हर्बीवोरस। जैसे हर्बीवोरस की बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए प्रीडिएटर क्या करते हैं, हर्बीवोरस की पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है, हॉर्स है, कैमल है, ये सब हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस बहुत सारे हैं, पर प्रीडिएटर बहुत सारे नहीं है, प्रीडिएटर कम है। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाते हैं प्रीडिएटर। प्रीडिएटर कौन होंगे, जैसे लाइक लायन एंड टाइगर, विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और इन सबका इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन सबका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब डिपेंड तो है, पर इन सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नेचर में है। अब क्वेश्चंस में अराइज इन अवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर, वेदर द कैटरपिलर फाउंड इन नेचर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्टी प्लेस, टर्मिट्स, इंसेक्ट प्रेजेंट इन अ डंग आर रियली यूजफुल। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जो कैटरपिलर है, इल्लिया, ओके, जो हमें नेचर में मिलती है, ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो बैक्टेरियाज वगैरह है, ओके, जो फ्लिटी प्लेस में मिलते हैं, टर्माइट्स और इंसेक्ट जो गाय के गोबर में, मतलब काउ डंग में मिलते हैं, या फिर किसी भी डंग में मिलते हैं, ये सब क्या यूजफुल है हमारे लिए? तो इसका आंसर है यस, दिस आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे आर टुगेदर क्लीन द एनवायरमेंट, वो सब मिलकर एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब देखिए, काउ डंग में अगर ये टर्मिट्स और इंसेक्ट नहीं लगे तो काउ डंग को खत्म कौन करेगा, उसे डीकम्पोज करेगा कौन करेगा, उसे मिट्टी में कौन मिक्स करेगा? तो ये सब काम इन्हीं का होता है ना, इसका मतलब ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दोज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी, भले ही वो डर्टी हो पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखते, क्लीन करते। इट इज मीन दैट अवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस। It is mean that our existence is due to these factor present around us. Hence, we should care for these factor. मतलब हमारे आसपास, हमारे होते हुए भी ये सारे factors हैं। इसका मतलब इन सब का कुछ न कुछ importance है और इन सब की care करना ये हमारी जवाबदारी है। So students, यहाँ पर देखिए लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है कि जीव जी को जीव, एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा रहेगा। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। इफ फॉलन फोलाइज इन फॉरेस्ट, डेड ट्री एंड क्रैकर्स इन अराउंड विलेज हैड नॉट बीन डिकम्पोज फॉर ईयर। अब मान लीजिए कि जो भी चीजें खराब हो जाती है या डेड हो जाती है, चाहे वो एनिमल हो
या प्लांट हो, जो भी हो, ऐसी चीजें अगर डेड हो जाती है और वो अगर डिकम्पोज ना हो, कभी डिकम्पोज ना हो, तो क्या होगा भी, कचरा कितना सारा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई एनिमल मर गया पर वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। अगर मान लीजिए गाय ने गोबर कर दिया और गोबर डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो मिट्टी में नहीं मिक्स हो रहा है, तो वैसे ही वो गंदगी दिखेगी, गंदगी फैलाते रहेगा। तो डिकम्पोज होना बहुत जरूरी है। सो व्हिच आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल कौन कौन से है? तो हमने नाइन्थ में पढ़ा था, आपने जरूर पढ़ा होगा भाई एनर्जी पिरामिड के बारे में। तो एनर्जी पिरामिड में ही अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। तो वो कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल, देखो ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर, जिसे हम कहते हैं प्लांट। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड अपॉन करते हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं ट्रेटरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तब यहां पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोड्यूसर हो गए प्लांट, कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर हो गए माउस, जो प्लांट को खाएगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया स्नेक, जो माउस को खाएगा, और टेरिटरी कंज्यूमर हो गया ईगल, जो स्नेक को खाएगा। तो ये है एनर्जी पिरामिड। और एनर्जी पिरामिड की एक बात ध्यान में रखिए, जो एनर्जी होती है वो 1/10 से ट्रांसफर होती है। मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी, जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा। फिर जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, वो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। ओके, अब जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास है वो टर्शियरी कंज्यूमर को भी मिलेगी, जब टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। पर ये मिलेगी कितनी, मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 1000 की एनर्जी है, तो कंज्यूमर को 1/10 मतलब 1000 डिवाइड बाय 10 दैट इज 100। तो प्राइमरी, अब प्रोड्यूसर के पास अगर 1000 एनर्जी है तो वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को 100 मिलेगी। और अब ये 100 एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, ओके, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को ये मिलेगी 10, समझ में आया। और ये एनर्जी अब कंज्यूमर के पास 10 है तो ट्रेटर को मिलेगी 1। तो प्रोड्यूसर की एनर्जी प्राइमरी के पास 1000 थी तो 100 हो गई, और फिर वो 100 से 10 हो गई, 10 से 1, दैट इज 1/10 के रेशियो से वो ट्रांसफर होती है। सो व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड क्या है वो भी हमने देख लिया, और व्हिच आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन में कौन कौन से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो भी हमने देख लिया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नाउ लेट्स थिंक, अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री फीड अपॉन द फिशेस इन नियर बाय पॉन्ड। अब देखिए एक बर्ड है, ओके, जिसने अपना घोंसला पेड़ पर बनाई है, फीड अपॉन द फिशेस नियर बाय पॉन्ड। अब ये क्या करेगी, अब बर्ड जो है वो पेड़ पे रहती है, पेड़ पॉन्ड के किनारे हैं, और बर्ड क्या करती है, उन पॉन्ड में जो फिशेस है उन्हें खाती है। तो वेदर दिस बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ दैट इज ट्री एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम, तो यस, बर्ड जो है ये दोनों का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, बर्ड जो है वो प्लांट पर रहेगा, अब उसका नेस्ट जो है वो उसके प्लांट पर, मतलब ट्री पर नेस्ट बना हुआ है, ओके, तो ट्री पर वो रहेगा, पर ट्री के पास में जो पॉन्ड है उसमें जो फिशेस है उसे खाकर वो जिंदा रहेगा, ओके। सो तो वो जो बर्ड है वो दोनों इकोसिस्टम का एक पार्ट है। सो कंप्लीट द चार्ट, फिल इन द बॉक्सेस, ओके, एंड डिस्प्ले कंप्लीट द चार्ट इन अ क्लासरूम। तो इस चार्ट को कंप्लीट करना है, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप चाहे तो इसे देख के कंप्लीट कर सकते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट को सबसे पहले देख ले क्या होता है। अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर और केमिकल कंपोनेंट। फिजिकल फैक्टर में आएंगे एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल और सनलाइट। केमिकल कंपोनेंट में आएंगे केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंस के भी अलग अलग टॉपिक है, दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो बॉडी के लिए जरूर, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ओके, जो इससे मिलेगा जैसे फल फ्रूट से या फिर मांस, जो फ्लैश ओके, जो मांस हम खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं या फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं, उससे जो मिलेगा वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन किसी प्लांट को या फल को खाने से तो हमें नहीं मिलता ओके, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये इनकी भी जरूरत हमारे बॉडी के लिए, पर ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओके। उसके बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट पर। तो बायोटिक कंपोनेंट दो टाइप के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जिसमें आएंगे ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, या खत्म। उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के दो टॉपिक है, एक है एनिमल और दूसरा डिकम्पोजर। एनिमल जो है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स ओके, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और डिकम्पोजर जो है वो उसे बैक्टीरिया और फंगाई जो किसी एनिमल के को मरने के बाद उसके बॉडी पर लगते हैं। उसके बाद कंज्यूमर के तीन टॉपिक और है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और टर्टियरी कंज्यूमर वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो आई होप दैट ये जो भाई इकोसिस्टम का टेबल है वो आपको क्लियर हो चुका होगा और आपने इसे बिल्कुल अपने साथ पास नोट कर लिया होगा। सो राइस, पैडी, पैडी का मतलब होता है राइस। पैडी इज कल्टीवेट ऑन अ लार्ज स्केल इन अ वेरियस स्टेट इन अ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अलग अलग भागों में चावल की खेती बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। पैडी फील्ड आर फ्री फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास होपर। और पैडी फील्ड जो होते हैं, मतलब चावल की खेती पर ग्रास होपर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। सिमिलरली फ्रॉग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। तो जहां पर पैडी फील्ड होती वहां के कीचड़ में फ्रॉग भी सबसे ज्यादा होते हैं और ग्रास होपर भी होते हैं। टू फीड अपॉन ग्रास होपर एंड स्नेक आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। अब जहां पर ग्रास होपर होंगे वहां पर फ्रॉग भी होंगे ओके, और जहां फ्रॉग होंगे वहां पर स्नेक भी होंगे क्योंकि स्नेक का फेवरेट फूड है फ्रॉग। सो हाउ एवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लीन ऑल द सडन। अब देखिए क्या क्या बात हो रही है, एक है यहां पर प्लांट, फिर है यहां पर ग्रास होपर, ग्रास होपर ओके, उसके बाद है फ्रॉग, फिर है स्नेक। अब देखिए स्टूडेंट ये अलग अलग है, ग्रास होपर प्लांट को खाएंगे और ग्रास होपर को फ्रॉग खाएंगे और फ्रॉग को स्नेक खाएंगे। अब यहां पर क्या कहता है, इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लीन ऑफ ऑल सडन, मान लीजिए अचानक सारे के सारे फ्रॉग मर गए तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पेडी क्रॉप, पेडी क्रॉप पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर फ्रॉग बढ़ गए, सॉरी फ्रॉग मर गए, फ्रॉग पूरे के पूरे खत्म हो गए, तो ग्रास हॉपर के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ग्रास हॉपर को खाने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि ग्रास हॉपर को स्नेक नहीं खाता, तो ग्रास हॉपर के बहुत सारे नंबर्स बढ़ जाएंगे और ये सारे के सारे इतने सारे ग्रास हॉपर प्लांट पर अटैक करेंगे और पूरे के पूरे खेती को बर्बाद कर देंगे ओके, समझ में आया। अब नंबर ऑफ व्हिच कंज्यूमर विल डिक्लीन एंड व्हिच विल इंक्रीज, कौन किसके संख्या कम होगी किसकी संख्या बढ़ेगी, तो ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ेगी क्योंकि उन्हें बहुत सारा प्लेंटी ऑफ खाना अवेलेबल है, और स्नेक बेचारे मर जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए फ्रॉग अवेलेबल नहीं है, तो स्नेक आप भूखे रह जाएंगे तो स्नेक के नंबर्स कम हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम, तो पूरे इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट करेगा, तो भाई पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं होगा। तो इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है, अगर इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम, अब आप कहेंगे कि भाई ग्रास हॉपर हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अब आपको पता चल गया कि भाई ग्रास हॉपर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंपॉर्टेंट ओके, अब ग्रास हॉपर अगर इंपॉर्टेंट है तो फ्रॉग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रास हॉपर है तो फ्रॉग होने चाहिए और फ्रॉग है तो स्नेक भी होने चाहिए, नहीं तो एनवायरमेंट यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है और एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है।
सो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले भी देखा था कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें अवेलेबल है, इस पूरे इकोसिस्टम को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड व्हाट इज इंक्लूड इन इन्वायरमेंट, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों मिलकर इन्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सो इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। इन्वायरमेंट क्या है? एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो देखिए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जो ये सारे के सारे फैक्टर है, ये अफेक्ट करते हैं किस पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। अच्छा बुरा जो भी है अफेक्ट करते हैं इन एनी पॉसिबल वे, ओके, कलेक्टिवली, इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों फैक्टर की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। इन्वायरमेंट क्या है? आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी कंडीशन जो है वो इन्वायरमेंट है। इसलिए सभी जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। एक जो पॉन्ड है, तालाब, खुद में एक अपना एक इन्वायरमेंट होता है। आप अगर सोचेंगे एक इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट में नदी, तालाब वगैरह सब है, वो सब मिलकर एक इन्वायरमेंट बनता है। पर आपको पता है कि एक अकेला पॉन्ड खुद में एक अपना स्पेशल इकोसिस्टम होता है। इट इंक्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर भी है, अबायोटिक फैक्टर भी है, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी। तो बायोटिक फैक्टर मतलब जो मैन, एनिमल, इंसेक्ट, ये सब बायोटिक। अबायोटिक मतलब एयर, वाटर, ओके, सॉइल, सनलाइट, ये सब अबायोटिक फैक्टर। नेचुरल, जो नेचुरल चीजें अवेलेबल है वो नेचुरल, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड ने बनाया है वो। सो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। और इसलिए इन्वायरमेंट के दो टाइप है, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। एक है नेचुरल इन्वायरमेंट जो जंगल में होता है, ओके, वो नेचुरल इन्वायरमेंट। और हम जहां रहते हैं ना, जहां पर हमने घर, बिल्डिंग, बस, गाड़ियां, कार, मोटर, फैक्ट्री सब बनाया है, दैट इज अवर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। सो नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट एयर, एटमोस्फियर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है, ओके। कंटिन्यू इंटरक्टिव ऑक्यूर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। और जो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट में, इनके बीच में हमेशा इंटरेक्शन बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को लैंड की जरूरत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की जरूरत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर की, एयर की, सबकी जरूरत है। तो ये सब एक दूसरे में इंटरेक्शन है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं दैट इज फुल ऑफ मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, दिस अफेक्ट द नेचर वेरी बैडली। ये हमारे नेचर को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो नेचुरल, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छा बुरा दोनों तरह से, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव दिखाता है। सो बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर, और इसलिए इन्वायरमेंट के दो बेसिक फैक्टर है, दैट इज बायोटिक फैक्टर एंड द सेकेंड इज अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या है, अबायोटिक फैक्टर क्या है, इसके पहले हमने तीन बार इसके बारे में बात कर चुकी है। द साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो साइंस की वो फील्ड जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की स्टडी की जाती है उसे इकोलॉजी कहते हैं। जिसमें एनिमल की स्टडी की जाती है उसे जूलॉजी कहते हैं। जिसमें प्लांट की जो स्टडी की जाती है उसे बॉटनी कहते हैं। वैसे ही जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बारे में स्टडी की जाती है उसे इकोलॉजी कहते हैं। सो बेसिक फंक्शन यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो जो बेसिक फंक्शन यूनिट होते हैं जिसका यूज किया जाता है स्टडी के लिए, किसकी? इकोलॉजी की, वो है हमारा इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम की स्टडी कर लो, आपको इकोलॉजी की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम में ही बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर है। नाउ इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम्स है।
वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस, इसके पहले हमने और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया है. अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेयर द अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम. हमारी पूरी की पूरी अर्थ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूरी अर्थ है. पर अर्थ के अंदर एक छोटा सा अगर तालाब भी है तो वो खुद में एक स्पेशल इकोसिस्टम है, कंप्लीट इकोसिस्टम. सो इन अ ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डिफाइनेट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरैक्शन कलेक्टिवली कंसिस्ट द इकोसिस्टम. तो देखिए कि बड़ी मात्रा में, जैसे इन ब्रीफ अगर हम कहें तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, ये जिस भी जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, तो कोई भी जियोग्राफिकल एरिया लीजिए, चाहे वो जंगल वाला हो, पानी वाला हो, रेगिस्तान वाला हो, कुछ भी हो, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया लीजिए, पहाड़ वाला हो, बर्फ वाला हो, जो भी हो, उनके उस इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होता है और इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. सो व्हिच साइकिल आर ऑपरेटेड इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कौन से साइकिल चलते हैं एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस. तो देखिए गैसियस साइकिल और एक होता है सेडिमेंटरी साइकिल. गैसियस साइकिल गैस एक्सचेंज जो हवा में ऊपर में होता है, जमीन से ऊपर वाले पोर्शन में होता है गैसियस साइकिल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है. और सेडिमेंटरी जो साइकिल होता है ना स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए इसे समझाने के लिए एक डायग्राम मैं यहां पर बना दूं. मान लीजिए लैंड है और ये लैंड के ऊपर यह है ट्री, तो यहां पर जो भी गैस होगी इट्स अ गैसेस साइकिल. ये जो जमीन के उधर होगा, ओके, जमीन के ऊपर दैट इज गैसेस, और जमीन के नीचे जो होगा ना वो होता है सेडिमेंटरी साइकिल. ओके, यहां पर जो होता है जमीन के अंदर जो होता है वो होता है सेडिमेंटरी साइकिल. तो ये दो मेन साइकिल है इन्वायरमेंट के. इन्वायरमेंट बैलेंस इज अ मेंटेन थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकल्स लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. मतलब ये सारे के सारे साइकिल से मिलकर एक इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन होता है. सो इन्वायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम. और इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है ये फूड चेन पर भी डिपेंड करता है, फूड चेन पर भी मेंटेन होता है. सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. मतलब अगर नेचर ना हो, कुदरत ना हो, तो ह्यूमन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन पूरी तरह से डिपेंड है नेचर पर. हैंस इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ह्यूमन बींग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. मतलब इट इज बेसिकली इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब ये ह्यूमन की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेचर को बचा कर रखे, संभाल कर रखे, प्रिजर्व करके रखे, उसका बैलेंस मेंटेन करे. इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम अवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम अवर एंसेस्टर. तो जो हमारे पास ये जमीन है, ये अर्थ है जिसका हम यूज कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट का, ये हमने हमारे जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए, उन पर, उनसे लीज के रूप में ली है, एक कर्ज के रूप में लिया है, एक उधार के रूप में लिया है. और इस इकोसिस्टम को हमने जिस तरह से हमने लीज पर लिया है उसी तरह से इसे वापस भी करना होगा. ये जो जमीन है, जो पृथ्वी है, ये जो संपत्ति है, ये जो हेरिटेज है, ये जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, ये हमारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति नहीं है, जो कभी भी खर्च किए, कभी भी उड़ा दिए, खत्म कर दिए, बस हो गया अपना काम, हमारी संपत्ति, हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं है. ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, ये हमने लीज पर ली हुई एक प्रॉपर्टी है, ये लीज पर ली हुई एक हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमें जिस तरह से हम इस प्रकृति का लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, उस तरह से हमारे आने वाली जनरेशन भी इसका लाभ उठा सके. तो हमें इसका यूज भी करना है, इसको बैलेंस भी रखना है. एक पेड़ अगर हम अपनी जरूरत के लिए काट रहे हैं तो 10 पेड़ उसे मेंटेन करने के लिए लगाने भी पड़ेंगे, इस बात को नहीं भूलना है. सो हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर अवर सेल्फ एंड द फ्यूचर जनरेशन. इसलिए हमारे पास जो नेचर है उस नेचर को बचा के रखना,
उस नेचुरल प्रॉपर्टी को उसको यूज भी करना और उसको बचाकर भी रखना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था जो मुझे याद आ गया था ये लेसन समझाने से पहले, इसलिए मैंने यहां लिख लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि उन्होंने क्या कहा था। द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मींस। देखिए अब द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मींस नीड। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, वो हमारे सेटिस्फाई के लिए जो प्रोवाइड करती है वो हमारी जरूरत के लिए, मतलब प्रकृति हमें हमारी जरूरत पूरी कराती है, हमारा लालच नहीं। बट नॉट एवरी मीन्स ग्रीड। मतलब कुदरत जो हमें देती है वो हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, हमारी लालच पूरी करने के लिए नहीं। तो कुदरत से जो लेते हो अपनी नीड पूरी करने के लिए लो, लालच पूरी करने के लिए मत लो। अगर लालच के तौर पर अगर नेचर को यूज करना चालू कर दोगे तो ध्यान में रखिए ये पृथ्वी एक दिन बर्बाद हो जाएगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स मिलते रहेंगे इसी तरह नए वीडियोस के साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ओके और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।